अस्सलामु अलैकुम। हाय दोस्तों, कैसे हो? दिल से शुक्रिया, दिल से आप लोगों के लिए प्यार और दिल से आप लोगों के इस्तकबाल जो हमारी आप वीडियो देखने के लिए आए। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को लाजमी दबा देना, क्योंकि हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको 10 रॉयल पास का गिव अवे का रूल्स बताएंगे कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी वीडियो है जॉयस्टिक की, ना न्यू फ्यूचर आया, जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी आ गई है जिसका नाम है स्प्रिंट सेंसिटिविटी बेसिक के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यार उससे हमारी मूवमेंट को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। क्या हम उसको जीरो कर देंगे, हमारी मूवमेंट स्लो हो जाएगी? क्या हम उसको 100 कर देंगे, हमारी मूवमेंट बढ़ जाएगी? तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने काफी यूट्यूबरों के अच्छे जो हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं उनके कमेंट सेक्शन में जाके यही सवाल देखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो जो देखता है मेरी वीडियोस तो उनको एक्सप्लेन किया जाए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से करने की। तो देखो यार, जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी है वो जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी है बेसिकली। उससे हमारा ये है कि हमारा जॉयस्टिक जो है, हम अपने थंब को कितना स्ट्रेच करें तो स्प्रिंट लग जाए, बस इसका ये मकसद है और कुछ भी नहीं है। और इसके एडवांटेज है और एक आधा इसका डिसएडवांटेज है, मतलब जितने एडवांटेज होंगे मुझे तो एक आधा पता है जो डिसएडवांटेज है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। तो चलो यार इंट्रो लगाओ। तो अस्सलाम वालेकुम यार, लव यू जो कि अभी तक मेरी वीडियो से बंधे रहे आप लोग, लव यू लव यू लव यू दिल से भी, सही है। और ये देखो, अब अल्लाह आपका भला करे, आप सेटिंग में जाओ, नीचे देखो ये जो है स्प्रिंट सेंसिटिविटी, इसको देखो मैंने जीरो कर दिया है। ठीक है, अब जीरो कर दिया है, अब देखना ये देखो मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसको स्प्रिंट करवाने में, भगाने में, सही है, जो ये रन करता है भागने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, सही है। अब देखना मैं इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाकर भी दिखाऊंगा कि क्या सीन होता है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ना, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो आपको आपको दिखेगा, या आप खुद ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके एक दफा ये चेक करना। कुछ लोगों को फालतू ये लग रहा है स्प्रिंट सेंसिटिविटी, बिल्कुल फालतू, वो कह रहे हैं ये फालतू है, ऐसा नहीं है, फालतू नहीं है। अब देखना मैं इसको सेटिंग में गया, एक मिनट, ये मैंने इसको कर दिया 32, सही है। अब देखो, अब मुझे थोड़ी सी थोड़ा सा इजी फील हो रहा है स्प्रिंट कराने में, ठीक है, स्प्रिंट लगाने में, सही है। अब मैं इसको 100% करूंगा, सही है, ये मैंने कर दिया 100%। अब देखो मैं थोड़ा सा जॉयस्टिक ऊपर करता हूं ना, थोड़ा सा ये भागने लग जाता है, सही, स्प्रिंट लग जाता है इसका, ठीक है। थोड़ा सा आगे करूं, ये बहुत अच्छी चीज है, वैसे आई बहुत अच्छी चीज है, इससे हमारी ना जॉयस्टिक ग्लिच नहीं होगी, जैसे हमारा ग्लिच हो जाता था, मूवमेंट नहीं ढंग से होती थी, बेढंगी से मूवमेंट हो रही होती थी ना, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है ना, वो पता क्या है, इससे हम ना बेतुके कवर में चले जाते हैं। आप जब टीपीपी ले रहे होते हो तो आप तो जॉयस्टिक जो पहले जॉयस्टिक थी तो आप उस हिसाब से होते हो, लेकिन आपने सेंसिटिविटी 100 रखी है या 80 या 70 या 90 रखी हुई है, फिर भी ये प्रॉब्लम है। मतलब आप थोड़ा सा थम ही रखोगे, एकदम ये स्प्रिंट पे लग जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं करके कैसे, मैं क्या कहना क्या चाहता हूं, अरे कहना क्या चाहती हूं। अच्छा देखो, अब ये आप हार्ड टीपीपी ले रहे हो, सही है, फुल टाइम फुल आगे रश हो रहा है आप पे। आप थोड़ा सा ऊपर देखो, स्लो करके दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो थोड़ा सा करता हूं मैं, कवर से बाहर भागने को होता है, सही है। तो अगला बंदा अगर
पीरो हुआ तो वो तो आपको घुटनों के बल बिठा देगा एकदम। मतलब मेरे साथ हुआ है ना यार, मैं काफी मरा हूं, काफी दफा मैं फिनिश हुआ हूं ऐसे ही। मैं टीपी पी लेके बैठाऊंगा आज तो खा जाऊंगा भैंस की, खा जाऊंगा, लेकिन ये सीन हो जाता है। तो फिर मैं ना आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, शायद ना समझ आए मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ, किस प्रिंट लगता है, क्योंकि आपकी जॉयस्टिक तो आप पहले जैसी जॉयस्टिक है समझ रहे हो, लेकिन इस अपडेट के बाद ये जो फीचर है इससे ये प्रॉब्लम हो रही है भाई। इसकी आप प्रैक्टिस करो दबा के, मैं तो ये कहूंगा बस। या आप एक दो दफा मरोगे फिर आपको याद आएगा कि जहन ने सही बोला था यार, ऐसा तो हो रहा है। तो यार फिर भी लव यू दिल से, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। स्प्रिंट की सेंसिटिविटी का इतना ही कुछ कह सकता था मैं, और इतना ही कहना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज, लव यू।